वो जो आपकी दुकान पे बैठा हुआ है, जो आपको चश्मे का नंबर दे रहा है, उसको कुछ नहीं पता आपकी आंख के बारे में। तीसरे नंबर पे आते हैं दुनिया, हमारी 10-11% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की किसी ना किसी आई प्रॉब्लम में मुब्तला है और उनको पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वॉचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज हम एक थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू और वीडियो कर रहे हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी चलती जाती है और हम बहुत सी बातों को, बहुत सी नेमतों को अल्लाह की उसका शुक्राना नहीं अदा करते, उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। जैसे देखने की सलाहियत, जैसे सुनने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, चलने की सलाहियत, ये एक चीज़ें हैं जो हमने फॉर ग्रांटेड ली हुई हैं। आज मेरे साथ हैं शबाना शहजाद फ्रॉम LRBT। हम बात करेंगे कि LRBT इस वक्त क्या काम कर रहा है और LRBT स्टार्ट कैसे हुआ था, LRBT को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये नेमतें हैं, वहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास ये नेमत शायद अल्लाह ने कम्प्लीटली नहीं दी है। तो हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, डोनेशन के ज़रिए, कुछ वॉलंटियर वर्क के ज़रिए, क्योंकि मुझे लगता है यार ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे कुछ फ़र्क पड़े, कुछ एहसास हो कि हम कुछ चेंज ला रहे हैं। तो ये फ्यूचर की एक एफर्ट है टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड बी पार्ट ऑफ द चेंज दैट वी वुड लाइक टू सी अराउंड अस। अगर आपने मेरी कहानी नहीं सुननी है तो आप डायरेक्टली गेस्ट के बात पे जा सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि LRBT आज से 35 years ago, 35 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ग्राहम लेटन वॉज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, और वो फिर बाद में बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे। रहमतुल्लाह ज़का रहमतुल्लाह साहब थे, वो भी बिजनेसमैन थे, दोनों की आपस में दोस्ती थी। 1984 में उन्होंने सोचा कि हम मिलके कुछ करते हैं, और उन्होंने आँखों की जो ये बीमारी है या ब्लाइंडनेस है उसको फोकस पे लिया, और 1 million rupees से उन्होंने एक छोटा सा मोबाइल क्लिनिक कराची से दूर एक जगह है छोटी सी, वहाँ पर स्टार्ट किया। अब 63 clinics, 19 hospitals, 48 मिलियन लोगों को ये लोग इलाज कर चुके हैं, 4.8 मिलियन सर्जरीज कर चुके हैं हर किस्म की छोटी बड़ी, और कॉर्निया बैंक है जिसमें आप जिससे कॉर्निया की ट्रांसप्लांट वो होता है, ब्लाइंडनेस से लेकर, आई कैंसर से लेकर, आँखों में देखने की कमी से लेकर, बहुत सी चीज़ों को ये लोग टॉप ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज से हैंडल करते हैं, कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है। तो चलते हैं, बात करते हैं शबाना जी से और मालूम करते हैं कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लोग हैंडल कर रहे हैं। जैसे मुझे आज 2-3 नई चीज़ें पता चली जो शायद आप लोगों को भी पहले नहीं पता होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सॉरी आपको इतनी देर मैंने इंतज़ार कराया, इतना लंबा इंट्रो दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जज़ाकअल्लाह फॉर मेकिंग दिस एफर्ट, बिकॉज आजकल अवेयरनेस के दौर में हम चैलेंज बना हुआ है कि हमारे पास लोग नहीं हैं जो उसको मैसेज को आगे लेके जाएँ, और सोशल मीडिया इस पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है, लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ और यू नो वीडियो वगैरह पे भी होता है। बट वी हैव अ बिग बिग कॉज, अ बिग चैलेंज एट आवर हैंड। अगर इसके थ्रू हमारा थोड़ी सी भी मदद हो जाएगी तो ऑल प्रेयर्स फ्रॉम ऑल द बेनिफिशरीज टू यू एंड योर। जी, हमारी नीयत यही है, अल्लाह करे कि आज जो हम कर रहे हैं काम बैठे उससे बहुत से लोग जिनको ज़रूरत है वो उनको उनको मदद हो। you कोई नेकी हमें और आपको, आपकी नीयत इतनी अच्छी और कोई नेकी मैंने देखा रायगा नहीं जाती जी, और कतरा कतरा समंदर बनता है। जिस जिसने देखा उसके दिल पे हमने असर किया, उसने आगे चार लोगों को भी बता दिया, अगर अगर पैसे नहीं भी दिए सो वो चीज़ ट्रिगर इफेक्ट हो जाएगी और हम इंशाल्लाह कुछ। अच्छा, मुझे ये भी लगता है शबाना कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसे नहीं भी दिए, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वो इस चीज़ का इलाज हो सकता है। बिल्कुल, ये भी बड़ी ज़रूरत है। तो हम किसी इंसान की ज़िंदगी या किसी इंसान की एक मतलब उसको रोक सकते हैं कि उसकी आई साइट ज़्यादा ख़राब होने या उसको कोई बीमारी को रोक सकते हैं, क्योंकि उसको शायद पता नहीं हो कि इसका इलाज हो सकता है, अब इसके थ्रू उसको पता चले। एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि समझते हैं कि अगर आँख का टेस्ट करा लिया ना तो वो आँख का टेस्ट हो गया, सो वो पावर का जो नंबर वैसे नहीं, मैं भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी आवाम में आती हूँ पाकिस्तान के, जब तक मैं एसोसिएटेड नहीं थी मुझे नहीं पता था, आई थॉट कि वो बैठा हुआ वो डॉक्टर ही होगा, उसने वो नंबर चेक कर लिया, नहीं वो मशीन्स ही अलग है, जैसे होल यू नो इतना बड़ा पूल है मशीन्स का जिससे आईज टेस्ट होती है पीछे, और कितनी बीमारियां। आई थॉट एक बस कैटरेक का नाम सुना था आंखों से रिलेटेड, और वो जो आपकी दुकान पे बैठा हुआ है जो आपको चश्मे का नंबर दे रहा है उसको कुछ नहीं पता आपकी आंख के बारे में। सो इवन इफ यू आर 100% हेल्दी, प्लीज अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है जो तीसरे नंबर पे है दुनिया के आंखों की बीमारियों के हिसाब से। सो हमारा साइज कितना छोटा है पाकिस्तान का, इंडिया और चाइना के हिसाब से वो ह्यूज ह्यूज कंट्रीज है, लेकिन हम तीसरे नंबर पे आते हैं दुनिया के। तो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कितनी मतलब हमारी 10-11% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की किसी ना किसी आई प्रॉब्लम में मुब्तला है और उनको पता ही नहीं है। सो खुदारा मैं सबको ये कहती हूँ कि
चैरिटी तो एक चीज़ है जो हम करते हैं, आई की जो डिजीजेज हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आंखें तो टेस्ट कराएं ना, और किसी ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि फील्ड है, बाकी सारे डॉक्टर्स की अलग अलग फील्ड होती है. सो आई डॉक्टर का ऑप्थोमोलॉजिस्ट का पता ही नहीं होता कि उसको जाके टेस्ट कराना है. और यकीन माने, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, कितने सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आए हैं, उनकी आँखें उस वर्ज पर थी कि अगर ज़रा सी देर हो जाती उनका मे बी कैम, मुझे नहीं पता अभी कितनी क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, उनकी आंखों में कोई ना कोई इतनी बीमारी थी. बिल्कुल. और राहत काजमी साहब जो है वो हमारे बहुत अगर एक नाम ले चुके बिकॉज इज वेरी वोकल एंड वेरी सपोर्टिव, तो उनका तो बहुत साल पहले हुआ था. अब उनकी जिस तरह ग्लूकोमा एक बीमारी है, डोंट नो काला पानी का नाम से लोगों ने सुना होगा, वो इतनी पेनिट्रेट कर रही है अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट जिसको हम मोतिया कहते हैं. सो ये इतनी बीमारियां हैं जिसको खुदा रहा आप लोग चेक कराइए, इससे ये रोकथाम हो सकती है. 10-11 तो हम आज है, अब ये गैजेट वाले इरा में, अब ये स्क्रीन जहां बच्चे बड़े हटते ही नहीं है, इट विल डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म है होगा इफेक्ट. सो अपना 6 महीने या 1 साल में एक दफ़ा ज़रूर ज़रूर जो है आपको आई टेस्ट करानी चाहिए. अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम वो जो बैठे होते हैं ग्लासेस की शॉप्स पे उन पे नहीं जाएं, हम प्रॉपर ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएं. अच्छा, दूसरी बात ये मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के ये भी मेरे जहन में आ रहा था, ये भी चैलेंज आप लोगों को फेस होता है कि लोग डोनेशन के टाइम भी कहते हैं कि यार यू नो इस वाली ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को हम ज़्यादा, ये भी इस तरह का कुछ फेस होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज आप खुद सोचो अगर कोई बंदा देख रहा है कि कोई बंदा मरने वाला है, उसके बारे में आपके दिल पे हाथ पड़ता है कि यू नो वो इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं. लेकिन आप उनका देखें, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस का मैं वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि हमारे जो वॉक इन सारे बेचारे जो मुस्तहकीन हैं वो इनकी फैमिलीज़ में कितने 6-6, 8-8 लोग एक बंदे की कमाई पे मुनसर होती हैं उनकी उस पर, और बहुत सारे तो वो जो एक दिन में कमाते हैं, अगर कमाया तो बच्चों ने माँ बाप ने बीवी ने खाया या नहीं खाया. अगर वो बंदा कमाने से कासिर हो जाए फिर सोचें उन कंबों का क्या होगा. हम अगर उनका मुफ्त इलाज करते, क्योंकि उनके लिए ये चॉइस होती है कि या खाना खिलाना है या इलाज के लिए ज़रा सा रोकना है, उनकी वो प्रेफरेंस नहीं, समझता अभी चला लो धूप में मजदूर सारे जो जो काम करते हैं उनकी उधर तक पहुंच जाती है जहाँ कि इतना मुश्किल होता है हमें उस नज़र को बचाना. तो उनके आप फैमिली के बारे में सोचें कि अगर हमने इलाज ना किया तो वो पूरे 6-8-9 लोग रुल जाएंगे, उनकी जनरेशन रुल जाएगी, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, गलत कामों में चले जाएंगे जब वो घर पे देखते हैं. और ये इनडायरेक्टली ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ हुई हैं उस पर होता है कि जब इंसान को होप ही नहीं होती कि उसने फ्यूचर के बारे में कि उसका कल कितना अच्छा है, उसको जब तारीकी नज़र आ रही होती है अपने मुस्तकबिल के लिए, सो उसकी मोटिवेशन ज़िंदगी की कम हो जाती है, और वो जब कम होती है तो उसका लाइफ स्पैन कम होता है. ये आप सर्च भी अगर करेंगे ये आपको पता चलेगा. सो हम दो तरह से हमारा ये फैक्टर है, इनडायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और वो कि हम कितने कुंभों की कफालत एक बंदे के इलाज से कर सकते हैं. अच्छा, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है तो भाई आप उसको मत दीजिए डोनेशन. नहीं, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, आपकी चॉइस है, आप जिसको भी देना चाहें. हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग चैरिटी का सोचें या हम जब कुछ करने का सोचें तो हम उसके साथ साथ LRBT या आँखों या इवन हेयरिंग या बोलने की जो उससे उसकी इन चीज़ों पे भी हम गौर करना शुरू करें और सोचें कि इनको भी हम कैसे मदद कर सकते हैं, कि ये भी इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं. हम ये बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. नो वे वी वांट टू से कि जी उनको मत दें और हमें दे दें. बिल्कुल, अच्छा अच्छा काम हो रहा है, सारे जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात हैं ज़िंदगी में लोगों की और बहुत मसले मसाइल हैं दुनिया में. तो यस, ये भी एक बड़ा मसला है जिसको हम कोशिश करें कि उसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए. इस तबके में बीमारियाँ और ज़्यादा होती हैं बिकॉज खाने पीने की किल्लत की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से. जिस तरह समझते हैं कि अगर चोट लग गई, मैं लात तादाद मुझे 9 साल हो गए हैं, मेरे पास इतनी कहानियाँ मेरे जहन में घूम रही है कि मैं किसके बारे में बात करूँ. अक्सर जो सबसे ज़्यादा बच्चों में आता है वो ये आता है कि कोई ना कोई होम एक्सीडेंट हो जाता है, उससे आँख पर अफेक्ट हो जाता है, हकीम को दिखा दिया, कोई वो जो कंपाउंडर टाइप छोटा सा क्लिनिक गली मोहल्ले में होता है उसको दिखा दिया और समझे ठीक हो गया. इतनी आंखें खराब होके हमारे पास वो आती हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या क्या कुछ डल चुका होता है कि रिवर्स करना मुश्किल होता है. हम कैटरेक को एक और मे भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैटरेक एक बड़ी उम्र की बीमारी नहीं है, ये बच्चों में भी होती है. अच्छा। ये पैदाइशी भी होती है, और कोई भी हादसा आंख का किसी भी एज में अगर सही से उसका इलाज नहीं हुआ वो कैटरिक में हो जाएगा, और कैटरिक का इलाज सही टाइम पे नहीं हुआ तो ब्लाइंडनेस में चला जाएगा. तो पूरी जर्नी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है.
सो बच्चों के जो होम एक्सीडेंट होते हैं, कभी तिनका लग गया, कभी कोना लग गया, प्लीज़ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए. हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारा फुटफॉल है, पाकिस्तान में कोई कहीं भी किसी जगह पे भी खड़ा हुआ है, वो किसी रोड जर्नी से 3 घंटे के अंदर अंदर हमारी किसी फैसिलिटी तक जरूर पहुंचेगा. 3 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन का सफ़र. तो आप जब हमने पाकिस्तान पे इतना हमारा अगर आप मैप देखो इस तरह प्लॉट हुआ है, तो 3 घंटे का सफ़र और नज़र में आप उतनी मेहनत तो करो ना. और अगर इंतज़ार करना पड़ता है, हम आप नहीं जाते, हम आप इतने हज़ारों दे के एक ओपीडी को हासिल करते हैं, उस पर 2 से 3 घंटे बैठना पड़ता है. सारे जो जो यहाँ टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनकी वेटिंग अब उतनी आ गई है. यहाँ कहते हैं इतने सारे आते नहीं हैं काम वाले, मेरी जिस तरह घर पर काम, नहीं नहीं वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है. अरे भाई आपको इतना फ्री इलाज मिल रहा है, फ्री सर्जरी मिल रही है, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री हॉस्पिटल मिल रहा है, फिर भी आप कह रहे हो कि रश में नहीं जाना. तो उस वो वाली बस अवेयरनेस की बहुत कमी है हर लेवल के ऊपर. एजुकेटेड लोगों को भी आंखों का इतना नहीं पता जितना वो. मुझे ये बताइए कि किस क्या 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 बीमारियाँ या क्या क्या चीज़ें, कुछ थोड़ा हम काउंट कर लेते हैं कि जिसको LRBT से ट्रीट किया जा सकता है. क्या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो, मुझे ये क्वेश्चन है, अगर कोई बिल्कुल ब्लाइंडनेस हो तो उसके कोई चांस हैं जो यहाँ पे हो सके? कोई भी आंखों का इलाज ऐसा नहीं है जो LRBT में ना होता हो. कुछ टेरिस्ट्री हॉस्पिटल हैं, कुछ छोटे हॉस्पिटल हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं, कोई ना हमारी टीयरिंग हुई हुई है. लेकिन LRBT के पास अल्लाह ताला की आज़ाद के बाद उसकी अगर शिफा लिखी हुई है तो हमारे पास मौजूद है. इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी महंगी मशीन्स जो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है वो हमारे पास है. बिकॉज ऑब्वियसली हम अपील्स करते हैं, हमें कुछ कंपनीज हैं जो हर साल एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट डोनेट कर देती हैं, सो उसका इलाज हमारे पास हो जाता है. तो मैं अगर नाम वाम लेने पर आऊँ तो बड़े बड़े कैटरेक हो गया, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया, ग्लूकोमा की हम थोड़ी परसेंटेज अभी आजकल देख रहे हैं कि बढ़ गई है समाव, और जो नंबर के चश्मे वो उसका भी मतलब टेस्ट भी इधर हो जाता है, चश्मा भी आपको सब्सिडाइज देते मिल जाता है. फिर डायबिटीज़ बहुत बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में. डायबिटीज़ इटसेल्फ बहुत आंखों की बीमारियों को देता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह हो गई. तो इन सब का इलाज, इन सब की मशीन्स, OCT कैमरा होते हैं, और इक्विपमेंट में टेक्निकल पे नहीं जाऊंगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा, मगर जो जो आंखों के पीछे के स्कैन्स और एक्सरेज की जो जो मशीन है वो सब हमारे पास. सो जो आ सकता है, जो कफालत रखता है, वो आए अपना इलाज. बिल्कुल क्वालिटी आई केयर है, टॉप ऑफ द लाइन डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, आप कराएं. और फिर हम मांगेंगे नहीं आपसे, इवन आप भी आ जाओगे मांगेंगे नहीं, मगर वहाँ डब्बे पड़े हुए हैं, अदरवाइज वहाँ बैंक डिटेल्स रखी हुई हैं, थोड़ा सा आप इस यू नो कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं. फ्री है, इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर द पुअर. जो मस्तहक है, जो भी वॉक इन आता है, आप उससे नहीं पूछते भाई कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है. हम हमारे पास कोई काउंटर नहीं है, ठीक है, बस आप इलाज करते हैं. हम जो जो आता है हम उसका इलाज कर देते हैं बिल्कुल फ्री. ठीक है, ज़कात के ज़ुमरे में जो आता है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो डोनेशन के ज़ुमरे में आता है. तो हमारी बहुत क्लियर डिफरेंट है. बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि नहीं ये तो नॉन मुस्लिम का भी करते हैं, हमारी ज़कात गलत तरीके से तो नहीं जा रही. तो उसके लिए है कि हमारे मुफ्ती होते हैं, हमारे शरिया कंप्लायंट हम होते हैं, हमारे सर्टिफिकेशन हर साल रिन्यू होती है, हमें पेपर्स देने पड़ते हैं कि ज़कात का एक एक केस हमारे मुफ्ती साहब जब तक ओके नहीं करते हम उस अकाउंट से निकाल नहीं सकते. और डोनेशन जो है वो फिर नॉन मुस्लिम के लिए भी होता है, क्योंकि मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई इस तरह तफरीक तो नहीं की थी. मुझे बहुत दफ़ा लोग फ़ोन करते हैं कभी कि नहीं कम्युनिकेशन में या रिसोर्स में बात कराएं, हमें ये चीज़ को क्लियर करना है. फिर हम उनको समझाते हैं ज़कात ज़कात की तरह हम करते हैं. अच्छा आप किसको देते हैं? जो हमारे 8 अल्लाह ताला ने मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगरीज बताई, उसमें मुस्तहकीन की हम जाँच पड़ताल करके उनके ऊपर हम अपनी ज़कात करते हैं. तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक जो लोग ज़कात देना चाहेंगे उनके लिए कम्फर्ट होगा, क्योंकि ज़कात सही जगह पर होगी, क्योंकि आप लोग थोरली रिसर्च करते हैं. मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है, जिन लोगों की आई साइट बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं होती, क्या चांस है, कोई होप होती है, या वो भी केसेस टू केस डिफर करता है? वो लोग आ सकते हैं आपके पास? अल्लाह ताला ने अगर शिफा रखी है ना तो हर केस डिफरेंट है. साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी आप ब्लैक और वाइट अल्लाह की ज़ात के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है. अभी हमारे जिस तरह लेटली हमने 49 मिलियन पेशेंट अपना ट्रीट किया है, वो कैंसर उसको आई में कैंसर हो गया था. जबकि डॉक्टर्स मुझे जितना मैं जितनी फेसबुक वगैरह पे क्वेरीज आती है, मैं उनसे डॉक्टर से कुछ ओवरऑल ब्लैंकेट चीज़ें पूछ के रखती हूँ. और मुझे यही पता था कि कैंसर अगर फैल जाए या आँख तक पहुँच जाए, आँख निकालनी पड़ती है, नहीं होता. लेकिन अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप की दुआओं में इतनी शिफा रखी थी. छोटा सा बच्चा है वो, और उसका मतलब हिज साइट वाज आल्सो सेव्ड. मतलब उसको पूरा बिल्कुल वो देख सकता है. आप लोग अगर जाएं हमारे पोर्टल्स पे, हर जगह वो स्टोरी है. इस तरह की लाखों तादाद में हमारे पास स्टोरी है. और ज़्यादा आपको ये भी जान के हैरत होगी कि पूरी पूरी फैमिलीज में एक बीमारी होती है. 5 साल पहले हमारे पास एक फैमिली आई, 4-5 बहन भाई थे,
और उन सबका ये मसला था कि वो एक खास एज को पहुंचते थे, उनका कॉर्निया जवाब दे जाता था, पहले एक बहन फिर दूसरी बहन फिर एक भाई, इस तरह करके तीन या चार वो बहन भाइयों के साथ यही प्रॉब्लम थी, पढ़ते लिखे यू नो सफेद पोश लेकिन पढ़े लिखे फैमिली के, सो फिर उनके कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए उन सबके और आज वो सब अपनी ज़िंदगी में वापस है। तो वो रिवर्स ऑलमोस्ट उनका कॉर्निया जा चुका था, जब कॉर्निया चला गया समझे आँख चली गई, वो देख नहीं सकते, आपकी जो क्वेश्चन है उसको मैं जवाब दे रही हूँ, सो उनके फिर कॉर्नियाज लगे हैं सबके और अब वो सब देख सकते हैं। लेकिन जो बचपन से जिन जो पैदा होते हुए जिनकी आई साइट होती है उनका कोई चांस होता है, वो बच्चों को उसी वक्त ले आए तो कुछ हो सकता नहीं है? पीछे एक वेन आ रही होती है जिसमें नूर कहते हैं यूजुअली आम समझाने के लिए, कि उस अगर उस बीम में नूर है ना, तो पीछे से अगर नूर आ रहा है आगे नहीं देख सकता, तो वो चीज़ हम ट्रांसप्लांट करके उसको रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे नूर नहीं है फिर नहीं, नहीं। तो इसलिए जब भी वो आते हैं केस टू केस, हर चीज केस टू केस, तो अगर है तो प्लीज जाइए दिखाइए, हर चीज को आप पहले मतलब कितनी दफा हमारे पास वो आते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर ले गए नहीं इलाज हुआ, अभी लेटली हमारे पास एक दो केसेस आए, एक बच्चा था एक बच्ची थी कि वो माशाल्लाह एफ्लुएंट थे, उनकी मदर ने जितना रो रो के कॉल किया कि मैं तो ऐसे ही चली गई थी, मुझे बस था कि मैं हर दरवाज़ा टकटराऊंगी, शी हैड बीन टू आई थिंक सऊदी अरब और बाहर भी यूके यूएस में से किसी एक जगह गई थी, वो नहीं हो पाया, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट एज ए लास्ट वो पाकिस्तानी मतलब वो बाहर घूमते रहे, यहाँ बाहर के कुछ दिखा दिए, वो रिवाइव हो गया, उनका बच्चा देख सकता है, वो कहते हैं वही ना कि अल्लाह मियां ने जब लिखा हुआ, और ऐसी हज़ारों हज़ारों बिकॉज आप खुद सोचे ना 49 मिलियन पेशेंट्स में ऐसी ही कितनी स्टोरीज है, और सबसे ज़्यादा वो होता है जब फैमिलीज़ की फैमिलीज आती हैं, जब ये सैलाब आया था तब हर एक ने अपना क्या कहना चाहिए दिल खोल के चैरिटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने भी जो जो कर सकते हैं कि हमने आई कैंप लगाना शुरू किए, क्योंकि पानी आता है गंदगी होती है गंदगी से आम वहाँ से हमारी हमें एक फैमिली मिली मंथर करके नाम था, अगेन सर्च कीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके घर में वो और उसके सारे बच्चे आँखों की उनकी प्रॉब्लम थी और सब वो झुग्गी टाइप घर में रहते थे, पक्का घर भी नहीं था, तो उन सबको यहाँ कराची लाया गया, उन सबका इलाज हुआ और फिर वापस छोड़ा गया, तो ये तो फैमिली की फैमिली जिनको अगर होती है ना, जैसा काला पानी भी यूजुअली फैमिली की चीज़ होती है, सो खुदारा आप अपनी आई टेस्ट कराइए और आई टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है, अभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हुई होती है, इतने अभी हम लोग आते हैं ढूंढते हुए कि हमारे हस्बैंड का हमारी मदर का आँख का वो टाइम जो हमने देखा है ना स्ट्रगल, उसके बाद हमें किसी आँख के लिए करना है, तो फिर वो ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है हम सबसे बड़े हैं। और जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे विद ऑनलाइन इतना जब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स और फ़ोन और टैब को देखते रहते हैं, तो उससे भी आई एम श्योर आप लोग काफ़ी केसेस देख रहे होंगे जो इससे इसकी वजह से आईसाइट और डिटेरिएट कर रही होगी या प्रॉब्लम्स और बढ़ गई होंगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है, एक स्ट्रेन पड़ता है आँख में, आप लेजी फील करते हो, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिटेरिएट करता है, तो अगेन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऑडियंस बिल्कुल मेच्योर है और सबसे ज़्यादा आई थिंक गैजेट भी यूज़ होता होगा, मैं एक बताऊँगी एक रूल होता है 20-20-20 अपनी आई केयर के लिए, सो आप एवरी 20 मिनट्स बाद 20 सेकंड्स के लिए आप किसी और जगह पे देखें, किसी प्लेन के ऊपर, यकीन माने ये आई एक्सरसाइज इससे बड़ी कोई नहीं होगी, और ये हमने बहुत कोशिश की डॉक्टर्स की, हमारी वीडियोस वगैरह बहुत आई हैं कि बच्चों के लिए क्या करें, तो ये प्लीज़ उनको बार बार बोलें, चाहे कोई भी स्क्रीन है स्पेशली छोटे वाले जो गैजेट्स हैं उसके बाद ये करें, जो टीवी वगैरह होता है उसकी आई केयर के लिए ये है कि आपका डिस्टेंस जितनी बड़ी स्क्रीन है ना उससे 3-4 times मल्टीप्लाई करके आपका डिस्टेंस होना चाहिए। और हम लोग तो नहीं रखते, कोई भी नहीं रखता, बच्चे तो मेरे जिस तरह बेटा इज अ क्रिकेट फैनेटिक, उसको लगता है कि करीब से वो बॉल नहीं देखेगा तो वो आउट या कुछ चेंज हो जाएगा, तो मैं 6 दफा आवाज़ आती है प्लीज सिट बैक बिकॉज चिराग तले अंधेरा तो नहीं होना चाहिए। सही कह रही है। अच्छा डोनेशन के क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम डोनेट कर सकते हैं? डोनेशन हर तरह से, डोरस्टेप कनेक्शन भी है, ऑनलाइन हो गया, सबसे पहले तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया। अगर आप लोग बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं करना चाहते तो लैपटॉप खोलिए, फोन खोलिए, LRBT की साइट पे जाइए, ऑनलाइन आप बैंक से ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, एंड आई एम श्योर उस पे ऑप्शन होगा ज़कात डोनेशन एवरीथिंग सब क्लियरली है, ठीक है, एक ही हो गया। और उसमें ये भी है अगर आपने करना है तो सर्जरी की कॉस्ट वगैरह भी, आप किस या ओपन अमाउंट देना चाहते हैं, और अगर फोन पे आपका कार्ड बहुत सारे लोग नहीं यूज करना चाहते तो हमें कॉल कर लें, ऑप्शन है फोन पे दे दें। बिल्कुल फोन पे कैसे होगा? फोन पे आप कॉल करके बता दें कि मैं इस शहर में हूँ और मुझे ये कलेक्शन करानी है, अच्छा, तो कोई राइडर आके आपके पास ले लेगा। वाओ। और हमारे जो सारे बैंक अकाउंट्स हैं हमारी वेबसाइट पे फेसबुक पे सारे लिखे हुए हैं, उन सबकी ब्रांचेस थ्रू आउट पाकिस्तान और हमारे बड़े नेटवर्क वाले बैंक्स हैं, ताकि नाम ले लें 2-3 बैंकल हबीब, HBL,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सेसिल बैंक, सबके अकाउंट्स हैं। सो वो हम हर तरह से करीब आना चाह रहे हैं कि हो जाए। अब क्यूआर कोड है, उससे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट वो वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ऐप्स हैं दो तीन बैंक की। सो डोनेटिंग इज नॉट डिफिकल्ट अनलेस एंड अंटिल आपका दिल उस पे मुतमईन हो। कोई सेंटर है, सेंटर पे भी जाके दे सकते हैं, आपने क्या बॉक्सेस पड़े हुए हैं। हमारी हॉस्पिटल्स हैं 19 हॉस्पिटल्स हैं तकरीबन 17 सिटीज में, कराची लाहौर में दो दो हैं, बाकी सारी जगह पे एक है, वहाँ हॉस्पिटल पे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ज़कात भी दे सकते हैं, डोनेशन भी दे सकते हैं, जैसे हमने पहले भी सदका भी दे सकते हैं। वैसे भी आप किसी की अगर आंख को करोगे तो वो जब पूरी ज़िंदगी कमाएगा, नेकियां भी इंशाल्लाह ताला करेगा, तो आपका सदका जा रही है ना, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, आप इस तरह भी तो उसको रिवाइव कर रहे हो। एक जनरली कितना बजट आप लोगों को चाहिए होता है, इफ़ यू आर ओके टू शेयर या नहीं? आप नहीं, इस साल हमारा टारगेट तो नहीं कहूँगी, बजट हमें जो चाहिए अपनी इतना बड़ा नेटवर्क रन करने के लिए 2 बिलियन रुपीज़ है। ओके, और माशाल्लाह से आप लोग हर साल मीट कर लेते हैं, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ वसीला बना देता है जी। लेकिन बात वही है ना कि परसेंटेज बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, नई कंपनीज नहीं आ रही हैं, नई जनरेशन्स नहीं आ रही हैं। सो इसीलिए हम छोटी छोटी एफर्ट आपका थ्रू भी करना चाहते हैं कि हमें पढ़िए, हमें जानिए, हमारी कॉस्ट को जानिए और देखिए कितने बड़े नंबर्स हैं। और समझते हैं, एक और चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी, समझते हैं कि अगर किसी के इंस्टीट्यूट को ज़कात देनी है ना, तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तब आप जाके दे सकते हैं। अदरवाइज़ ना छोटे का क्या करना है, नहीं, एक इंसान की एक आंख का इलाज बच्चे का 10,230 रुपए में हो सकता है। तो उतना तो निकाल ही सकते हैं। इतने माशाल्लाह छोटे छोटे दुकानदार हमको फोन करते हैं कि इतना मैंने जमा कर लिया, लिटरली कॉइन्स 10-10 रुपए के नोट होते हैं। उस वक्त तो हमारी जो हालत होती है जब हम कलेक्शन की कॉल के बाद हम राइडर को कहते हैं, वो हमें आके बताता है ऐसे नोट्स हमको मिले, हम कहते हैं कि असल तो मेरा ख्याल यही है। मुझे लगता है ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत पैसे हो, चाहे कितने भी हैं और आप दे सकते हैं तो दीजिए, कतरा कतरा बनके समंदर बनता है। तो लेट्स नॉट स्टॉप आवरसेल्फ्स कि हमारे पास इतने नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, जो भी है यार दो, ये वाकई हमारे हाल पे सही बैठती है। कतरा कतरा मतलब खुद सोचे, 10 लाख से दो दोस्तों ने ऐसी बात की थी कि यार टंडो बागों में कुछ करना चाहिए, किसी ने सोचा होगा कि आज वो, मेरा तो ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल लार्ज नहीं, लार्जेस्ट फैसिलिटी व्हिच हैज क्रिएटेड दैट वाज एनजीओ भी, लार्जेस्ट आई केयर फैसिलिटी आल्सो। सो हमने एक दो जो बाहर की कंट्रीज में चेक किए, लेकिन हमारे नंबर्स उनसे भी ज्यादा है। अच्छा, जो लोग ओवरसीज हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट के थ्रू? हमारे चैप्टर्स भी, हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, यूएसए में भी है, यूके में भी है, कनाडा में भी है, सबके ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं, सबकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आप हमको कॉल कर लोगे ना लोकल पे, तो हम सब डायरेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज आप अपनी एलआरबीटी के साथ उस कंट्री का नाम लिख दें, आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन वैसे हमारी वेबसाइट इंटरनेशनली किसी भी कंट्री से एक्सेप्ट कर लेती है। कोई स्टोरी सुना दें हमें आप, अब हम ऑफ कैमरा बात करते तो मुझे बड़े मजे की स्टोरी सुनाई थी, स्टोरीज जो आपकी डोनेशन की भी और पेशेंट्स की भी, कोई दिल जो दिल खाने वाली आती है ना। अभी मिलियन हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उन पर ज़्यादा स्टडी करते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद जब एक मिलियन टच होता है। एक कमर जहाँ करके एक लेडी थी, वो लेडी हेल्थ वर्कर है, पोलियो के टीके घर घर जाके पहनाती हैं, 60 से ऊपर उनकी एज है, वो वाहिद कफील है अपने घर का, वो बेवा है, उनके दो स्पेशल बच्चे, उनकी एक बेवा बेटी है, उसके 6 बच्चे। सो उसका जो जर्नी था ना, उसके दुख और इसी उसके इलाज में उसके एक बच्चे की डेथ हो गई। उसका आना जाना 60 साल की उम्र में कराची जैसे शहर में अंदरून गली से आना जाना, तो you know, जब हमने उनकी पिक्चर्स वगैरह हम लेते हैं तो बहुत बहुत हम कहते हैं कि अल्लाह मियां ने वसीला बनाना था, वापस कमा पा रही हैं, उन सबको कमा के खिला रही हैं। इसी तरह बेचारा कोई मछली वाला कहीं दूर दराज से पूछता पूछाता आ जाता है। इतनी दफ़ा हमारा क्वेटा में सेंटर है, हमारा सवात में सेंटर, वहाँ अवेयरनेस नहीं है। एक बस्ता उठा के, एक तो था उसके पास 1,000 रुपये जेब में थे, बस्ता उठा के आ गया कि आँख का इलाज कराने अपने पोते का, वो क्वेटा से आया था, कुछ पैसे नहीं। फिर ऐसे वाले को फिर हम करना पड़ता है, हम उनको हॉस्पिटल में ठहराते हैं। ठहराते ये कहते नहीं हम, लेकिन आपसे ना कैसे होगी। एक परसों भी एक बंदा 70 का होगा, तो 60 का भी नहीं था, 4 बेटों का बाप, ऑफिस आ गया हमारे कि यहाँ इलाज होता है। हमने कहा नहीं, ये ऑफिस है और उसके पास भी पैसे नहीं। फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वो कोई किसी लेवल पे कैसे, जिससे जो हो सकता है खुद हम चंदा जमा करके उनके खाने पीने का करते हैं, उनका इलाज तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह एलआरबीटी कर देता है, दवाइयाँ भी फ्री होती हैं। लेकिन आए दिन ऐसी हमारे पास स्टोरीज आ रही होती है कि बस
दिल हो जाता है। अब मेरे जहन में इतनी चल रही है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बताऊँ कि कितनी कोई ऐसा था ऑपरेशन का जिसको बिल्कुल होपलेस था, फिर आप लोगों ने अभी कुत्ता काटा था एक को पिछले बारिशों में, जब बारिशों में बहुत तबाही आई है ना 2 साल पहले, तो उस वक्त एक फैमिली थी वो किसी आई थिंक टीवी पे चल रहा था बच्चे के कुत्ते के काटने से आंख जाया हो गई, रेडियो पे भी चल रही थी ये स्टोरी बहुत दफ़ा। तो हमारे एक बहुत क्लोज एसोसिएट हैं सपोर्टर, उनकी कॉल आई कि इस तरह का, हमने कहा ऑफिस बंद होने वाला है अभी भेजें, आप अभी भेजें, उसकी आंख अगेन, ये आप स्टोरी कलीमुल्ला के नाम से सर्च करना, उसकी आंख ख़त्म थी, मैं बता नहीं सकती उसकी आंख की क्या हालत थी, और वो बहुत ही बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता था, और मेरा ख्याल है उसकी 4-5 बहनों के बाद ये पहला बेटा था, तो और वो पठान फैमिली से था, तो उनके लिए उस बच्चे की क्या अहमियत थी, औलाद तो वैसे ही ज़रूरी लेकिन एक हर एक का मानना होता है बेटा बेटा, उसकी ये हालत, वो जिस हालत में हमारे पास आया है आज वो माशाल्लाह 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 बिल्कुल ठीक है, देखता है। इसी तरह एक बच्ची आई थी हमारे पास, एक बेवा की बेटी थी, वाहिद औलाद, हस्बैंड नहीं बच्चे नहीं, उसकी कोई तिनका लग गया था और वो हनीम हकीम वाला हाल किया और वो पटाखा बच्ची, यू नो वो उस हालत में भी आके उसको नज़र नहीं आता था एक आंख से बिल्कुल भी, मरियम नाम था, वो भी आज माशाल्लाह देख सकती है, स्कूल जाती है, कभी कभी अपनी वीडियो भेज देते हैं बच्चे, अब फोन वन कहीं हो ना कि मैं ठीक हूँ, फिर कभी कभी हम स्टोरीज़ भी फॉलो अप करते हैं कि हम जनरेशन्स में हर एक बल्कि अभी एक आई थी उसकी नानी, उसकी अम्मी, उसकी बेटी, सो 3 जनरेशन्स का हमने इलाज किया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डोनेशन के सिलसिले में कोई अच्छी कहानी सुना दें, लोग कैसे डोनेट करते हैं, किसी ने बहुत कुछ किया हो ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके। अभी एक फैमिली थी कुछ साल पहले, उनके वही वेल ऑफ थे, उनके बेटे डॉक्टर्स बन रहे थे और वो खुद फ्रेंच या जर्मन पढ़ाया करती थी, उनके हस्बैंड की एक एक करके दोनों आंख ऑलमोस्ट बिल्कुल उसके ऊपर आ गई, उनकी जो है जब इलाज हुआ डॉक्टर मेनाज ने इलाज किया, हु इज़ वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री, कराची बेस्ड है, उनसे उनकी डिस्कशन हुई कि यू नो हमें अब पता चला है आँख की नेमत का, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली, ही कुडंट सी दैट टाइम, सो हम कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने कहा आँखों के लिए कुछ करना है तो LRBT आप, तो फिर उन्होंने LRBT भेजा, फिर उन्होंने पूरा एक अपने जानने वालों को, अपनी फैमिली को आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो सबको मोबिलाइज किया, एक फ़ंड रेजर अरेंज किया, उसमें हमने इतने मिलियंस, एक दिन का इवेंट था कुछ घंटों का, बट वो पीछे लगी रही, ज़्यादा उनकी वो थी, उसमें हमें बस ये था कि हमने उनको बताया हमारा काम इतना अच्छा, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया, वैलिडेट किया, सब उन्होंने इसी तरह करके दिया। इसी तरह इतने एक ये तो पैसों के हिसाब से होगा, एक दफ़ा एक 70-80 साल के साहब की कॉल है, उनकी अम्मी की अभी भी डेथ हुई थी, वो कह रहे हैं मैंने इतना ज़िंदगी में दुख दे था, मेरी एक आँख ले लो। हमने कहा आपके जिंदा कैसे, कहते मुझे नहीं पता, मुझे मैंने इतना अपनी ज़िंदगी मैंने इतनी जी ली है और मैंने इतनी गुर्बत इतना सब देखा है, मैं कहता हूँ मैंने क्या करनी है, उन्होंने कोई हमारी स्टोरी देखी थी तो कह रहे हैं आपने कहा है कि एक आँख हो तो एक बंदा काम कर सकता है, वापस से ज़िंदगी पे आ सकते, तो मैं एक आँख देता हूँ। अब ये फर्स्ट कॉल थी, ऐसी तो कॉल मुझे कभी आई नहीं इतने सालों में, मैंने उनका नाम और नंबर लिया, मैंने कहा मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, मुझे था कि मैं किसी से पूछूँ तो सही, मैं उनको जवाब क्या देना है, तो फिर मैंने अपने बॉस को कॉल किया, उन्होंने कहा नो एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता, अंकल इतने ओल्ड है और वो मुझे डांट के बात करे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी बात है ना, उन्होंने तो अपनी नेकी कमा ली, लेकिन इट वाज समथिंग लाइक ये जज्बा हो तो ये हो बिल्कुल। और फिर एक चीज होता है बहुत दफा पाकिस्तान में कोई कॉर्निया डोनेट नहीं करता, ये है हमारे पास चैलेंज, हमें बाहर से डोनेशन के लिए बोलना पड़ता है और बहुत सारे कर जाते हैं लेकिन उनकी फैमिली जो है वो हमें करनी नहीं देती। कॉर्निया डोनेशन और कॉर्निया बैंक है आपका, तो बिल्कुल है, आई थिंक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात आती होगी, तो हम ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे, हमने कहा था हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो आप लोगों ने रिसर्च की किसी से क्या है ये, इस पर क्या स्टैंडिंग है? हर चीज़ पे आप जब कोई देख ले 100% रूलिंग तो है नहीं कि हम नबियों के ज़माने में तो रह नहीं रहे, सो हर के 2 कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चंक स्कॉलर का है और फतवे हैं जो हमारी वेबसाइट पे हैं कि वो अलाउ करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ 100% जो है वो है अलाउ आप सारे दें, नहीं, दोनों स्कूल ऑफ थॉट हैं और ये बहुत बड़ा है। ऑर्गन डोनेशन पाकिस्तान में होना अब शुरू हो गई है लेकिन आई के ऊपर अभी भी खाली आंखों का देने का ये है, आप वो पढ़िए,
सऊदी अरब हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक है जिनकी पॉपुलेशन है, वहाँ ये बिल्कुल आम है. इट्स मतलब वो तो एक्सेप्ट ही करते हैं कि हाँ ये तो होना ही है, राधर देन ये यहाँ हमें सालों में एक फॉर्म आ जाता है. और वो एक फॉर्म भी आ जाता है तो कभी अगर हम कॉल करते हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उनकी जो लिविंग फैमिली होती है अगर उसको नहीं बताया हुआ था या उनका नाम भी दिया होता है तो रिफ्यूज़ करते हैं. तो फिर हम श्रीलंका और अमेरिका, ये दो चीज़ें हैं जिनके कोई डोनर कंपनीज हैं हमारे पास जो कभी वो हमें अरेंज कर देती है तो हम कर देते हैं. हमारी लिस्ट बहुत लंबी है कॉर्निया की. अब फिर भी आना शुरू हुए हैं तो कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन है उसकी भी ज़रूरत. अगर कोई पैसे नहीं दे सके तो कोई वॉलंटरी वर्क है जहाँ पे जाके हेल्प कर सकें? इस डिजिटल एरा में तो मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ा वॉलंटरी वर्क ये है कि आप हमें लाइक करिए हमारे फेसबुक के ऊपर, या हमारी कॉज के बारे में बात कीजिए, 10 लोगों को बताइए. आज ये तैयार कर लें कि इन्हें की करनी है, कि हमने शेयर करना है अपनी चीज़, या एटलीस्ट लोगों को बताना है कि जो पता हो कि कुछ भी मुखैर है हजरात है उनको ये बताइए कि ये कॉज है. जब अपनी ज़कात या डोनेशन का या सदका निकालो जुमे का, उनको याद रखना. सो ये वॉलंटियर से भी ज़्यादा वो है, बिकॉज ऐसी कॉज नहीं है कि हम ओपन लोगों को बुलाएं. हम यही कह सकते हैं आप फंड रेजिंग कर दें. हमारे स्कूल्स में बच्चे होते हैं, वो कोई ना कोई बेक सेल होती है, कोई और छोटा मोटा इवेंट होता है जिसकी टिकट्स की कुछ प्रोसीड्स आप डोनेट करते हैं. कुछ स्कूल करते भी हैं हमें तो, लेकिन इतने स्कूल्स हैं वो माशाल्लाह इतना कमाते हैं. सो अगर वो भी आप एक छोटी सी नेकी, एक छोटा सा पोर्शन हमको भेज देंगे सो बहुत बहुत लोगों का भला हो जाएगा. शबाना जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अल्लाह मियाँ आपकी इस नियत को कबूल करे और बहुत सारे लोग देख के आए, क्योंकि ये हर लेवल की बात है. ये हमारी बात नहीं है, बड़ों की बात नहीं है. हम कतरा कतरा करके, हम इस मैसेज को फॉरवर्ड करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हमारा जर्नी बहुत बड़ी है. और हम इंशाल्लाह 50 मिलियन पेशेंट अचीव करने वाले हैं कुछ महीनों में. तो वो तो एक बड़ी न्यूज़ है हम सब के लिए कि एक इदारे ने इतनी बड़ी यू नो इंसानी जिंदगियों को रोशनी दी. ओके जी, ड्रामा रिव्यूज़ होते हैं और सेलिब्रिटी बातचीत होती है, तो आज जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर इस वीडियो को आप रमज़ान के बाद भी कभी साल में देख रहे हैं तो रमज़ान नहीं है तो उस वजह से मत रुकिए, डोनेशन दीजिए. चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1,000 रुपये हो, चाहे वो 10,000 रुपये है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप घर में हैं, टेक आउट समथिंग. और बहुत कॉजेज़ हैं, सबको दीजिए. मैं ये नहीं कह रही किसी एक को दीजिए, सबको दीजिए. हम सबकी मदद कर सकते हैं, अल्लाह ने बहुत दिया है सबको अपनी इस्तात के मुताबिक. एज आई सेड, 1 लाख नहीं, 100 रुपये दे दीजिए, 1,000 रुपये दे दीजिए, बट लेट्स डू आर पार्ट. एंड LRBT इज़ वन ऑफ द यू नो बहुत अच्छा काम करें माशाल्लाह से. और जैसे अभी शबाना ने बताया कि आँखें इतनी बड़ी नेमत हैं, अगर आँख नहीं हो तो एक कुंबा, पूरा एक फैमिली जो है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि या एक इंसान की ज़िंदगी चली जाती है, वो पढ़ नहीं सकता, शादी नहीं हो सकती, बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती. तो लेट्स डू आर पार्ट एंड आई होप कि हमारी इस वीडियो से कुछ लोगों की कुछ थिंकिंग चेंज हुई होगी और हमने कुछ अच्छा काम किया. मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब ये नहीं पता आप डालेंगे या कट कर लेंगे, सेलिब्रिटीज से करूँगी जो बहुत सारे इधर आते भी हैं. बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस पड़े हुए होंगे. यकीन मानिए कुछ नहीं जाता, 1 मिनट की वीडियो आप इंडोर्स कर देंगे. अगर आपको सबकी करनी भी पड़ेगी, आप लोग बहुत सारों के एक ही जवाब होता है आपका किया औरों का करना पड़ेगा, क्या जाएगा अगर सबका कर देंगे. अल्लाह मियाँ ने आपको इतना दिया है, आपको इतने फॉलो करते हैं लोग अपने पेज पर, अगर आप 1 मिनट की अपील, हर रमज़ान एक कॉज चूज कर लीजिए, कुछ नहीं जाता, यकीन मानिए. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैव बीन सपोर्टिंग अस. इतने अच्छे अच्छे नाम भी हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब मुझे जवाब नहीं देते या ये कहते नहीं हम अब औरों का भी करना पड़ेगा. सो वो फॉलोइंग किस काम की, इवेंचुअली तो अल्लाह के पास ही जाना है. नहीं मैं हम एडिट में नहीं निकालेंगे, आप मैंने कहा ये चेक कर लेती हूँ, बल्कि मैंने बोलना था जब आप मुझे काफी बोल दिया, मेरे ज़हन में ये था. चलिए थैंक यू, अल्लाह करे कि आज ये वीडियो जो हमने की उससे कुछ ना कुछ फायदा हो. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.